ब्रेक के बाद फरीदाबाद टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं गुरुग्राम की खबर की तरफ। साइबर सिटी गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में हैवानियत की हद पार करते हुए अज्ञात अपराधियों ने एक 10 साल की बच्ची का न केवल अपहरण किया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या भी कर दी। वाकया सुशांत लोक इलाके के सरस्वती कुंज सोसाइटी का है जहां 15 जनवरी को बच्ची खेल रही थी। उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने बच्ची का अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार ने इस बाबत थाने में एक मामला भी दर्ज कराया लेकिन पुलिस की जांच पूरी हो पाती इससे पहले ही अपहरण हुई बच्ची का शव एक सूखी पड़ी पानी की टंकी से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जिसमें हत्या से पहले दुष्कर्म की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक SIT का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सिविल लाइंस में द्रोणाचार्य पार्क में बने पानी के टैंक से एक लगभग 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी के टैंक से बदबू आ रही है जिसकी तलाश करने पर नीचे शव की बरामदगी हुई। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बच्ची की शनाख्त नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस को आशंका है कि हाल ही में सिविल लाइन्स इलाके से ही लापता हुई बच्ची की ये लाश हो सकती है। बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की आशंका से भी पुलिस इनकार नहीं कर पा रही लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर में कोई सीरियल रेपिस्ट दाखिल हो चुका है जो छोटी बच्चियों का अपहरण कर बलात्कार करता है और उसके बाद अपने गुनाह को छुपाने के लिए उनकी हत्या कर रहा है। अभी अभी पता लगा था और पुलिस ने उसको निकाला उसके खड्डे से और पूरी तरह अवस्थित है और पोस्टमार्टम के बाद और उसके माँ बाप को बुलाया गया उसकी शनाख्त से पता लगा। बच्ची की पहचान होगी कौन है बच्चा? अभी तो आपके सामने ही है, अभी तो उसके पेरेंट्स को बुलाए हैं, गली खड़ी हुई डेड बॉडी है। सर कितने साल उम्र होगी, कोई निशान भी मिले तो? पूरी तरह गली हुई है डेड बॉडी, बच्ची लापता है कई दिन से। अभी ये कंफर्म तो ये है कि ये बच्ची है, जब पहचान होगी जब भी पता लग पाएगा।